हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सबके सब पे बहुत बहुत वेलकम है। आज का फोटोशॉप का ये ट्यूटोरियल काफ़ी अहम होगा, इसलिए क्योंकि इससे पहले के ट्यूटोरियल जो इलस्ट्रेटर के थे उसमें हमने ये बताया था कि इंडियन फ्लैग में जो अशोक चक्र बनता है उसको कैसे बनाते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें बनाना तो ईजी होता है, लेकिन ये पर्स्पेक्टिव रोटेशन जो बीच में लाइनिंग, ये जो लाइन है इसका पर्सपेक्टिव रोटेशन इलस्ट्रेटर में तो आपने सीखा होगा और इलस्ट्रेटर में लोगों को इजी भी लगता है कि आसानी से हो जाता है, लेकिन फोटोशॉप में बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता कि किस तरह से लाइन को एक परफेक्ट डिग्री पे कैसे रोटेट कर सकते हैं। यानी कि अगर मुझे सिर्फ 15 डिग्री पे रोटेट करना हो या 10 डिग्री पे, तो ये रोटेशन कैसे करते हैं फोटोशॉप में, वो हम लोग अभी देखेंगे इसमें। तो आइए टाइम ना गंवाते हुए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाना चाहिए। तो इसे हमने डिलीट कर दिया यहाँ से, यस ओके, और अब बनाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सारी चीज़ें आसान होती हैं जब एक बार सीख लेते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो चीज़ें मुश्किल लगती हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, बहुत ही इजी हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये तो टिप्स मुझे पता नहीं था, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है, कैसे रोटेट कर सकते हैं फोटोशॉप में बहुत आसानी से। तो अगर मैं एक यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से हमने एक सर्कल बना लिया और इसका स्ट्रोक हमने दे दिया पहले, ओके। स्ट्रोक का कलर यहाँ से ऐसे चेंज करते हैं, अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। स्ट्रोक यहाँ से लिया और स्ट्रोक का क्या साइज रखना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे 3 पिक्सल मैंने रखा है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से 2 पिक्सल, 3 पिक्सल या 5 पिक्सल, आप जैसे चाहें वैसा रख सकते हैं। ये पिक्सल रख लिया। अब इसका जो फिल कलर है, इसके फिल कलर को यहाँ से नन कर देंगे। फिल कलर को नन कर देने के बाद सिर्फ हमारा स्ट्रोक रह जाएगा। अब इसे सेंटर में करने के लिए क्या करेंगे कि ऊपर वाले लेयर को हमने सेलेक्ट किया जिसमें ये स्ट्रोक बना हुआ है, और उसके बाद बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट किया। आपको कंट्रोल प्रेस करके आप सेलेक्ट करेंगे तो दोनों लेयर सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप मूव टूल पे आ जाएं। मूव टूल पे आने का मतलब है कि ये अलाइनमेंट आपको दिखेगा। अलाइनमेंट में ये हॉरिजॉन्टली अलाइन आप सेंटर करें और वर्टिकली अलाइन भी सेंटर करें। अब ये सेंटर में आ गया। सेंटर में आने के बाद आपको एक काम और करना है कि एक बार आप इलिप्स टूल फिर से लें और एक छोटा सा सर्कल फिर से बना लें। आप छोटा सा सर्कल इस तरह से फिर से बना लें। उसका फ़ायदा क्या होगा अभी बताता हूँ। इसमें आप कोई कलर ब्लू कलर ही फिल कर लें, क्योंकि सेम कलर ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसी कलर को मैंने फिल कर लिया और उसके बाद मूव टूल से इसको अभी सेंटर में करें। अब ये सेंटर में है या नहीं है इसको कैसे पता करेंगे, तो ऊपर वाले लेयर में जो ये बना हुआ है एलिप्स सर्कल, इसको सिलेक्ट रखें इस लेयर को, और नीचे बैकग्राउंड लेयर को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर लें। अब ये दोनों सिलेक्ट होने के बाद इसको भी इसी तरह से सेंटर कर लेंगे, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से सेंटर कर लें। अब देखिए ये सेंटर हो गया, इस लेयर, इस बड़े वाले सर्कल के सेंटर में आ गया। सेंटर में आ जाने के बाद आपका काम आधा हो गया है। अब सिर्फ हमें बीच में लाइन जो है वो किस तरह से देनी चाहिए, वो करना कितना इजी है अभी मैं बताता हूँ। आप एलिप्स टूल लें या अपने हिसाब से आप पेन टूल से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एलिप्स टूल से बताता हूँ एलिप्स टूल से आप कैसे बना सकते हैं। एलिप्स टूल लिया और यहाँ पे आए और इस तरह से एलिप्स टूल से हमने पतली सी लाइन बना ली, ओके। अब ये लाइन बन जाने के बाद आपको ये भी कंफर्म करना है कि ये लाइन हमारा जो है ये भी सेंटर होना चाहिए। वी टूल पे आ जाएं, वी यानी कि कीबोर्ड से वी प्रेस करते हैं तो मूव टूल पे आते हैं, या फिर यहाँ से करेंगे तब भी मूव पे। अगर मैं यहाँ क्लिक ना करूँ तो कीबोर्ड से काम, और कीबोर्ड का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। मेरा मानना है कि काम अगर फास्ट करना है तो कीबोर्ड का यूज़ करें। अब देखिए मैंने ये हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दिया इसे, तो ये बीच में आ गया। अब ये अंदर वाले जो छोटे सर्कल हैं और बड़े वाले सर्कल, ये दोनों के बीच में आ जाने के बाद फायदा क्या होगा कि अब इसको थोड़ा सा आप अगर ऊपर कर लेते हैं, ये देखिए मैंने इसे बीच में कर लिया, यानी कि मैं जूम करके थोड़ा दिखाऊं आपको, ये देखिए ये बीच में आ गया। अब इसको आपको ये करना है फ्रेंड कि कंट्रोल टी करके इसको सिलेक्ट करें आप। कंट्रोल टी करके हमने सिलेक्ट कर लिया। इस कंट्रोल टी सेलेक्ट करने के बाद ये बीच में देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं वैनिशिंग पॉइंट, जो इलस्ट्रेटर में भी देखे होंगे आपको, ये बीच में वैनिशिंग पॉइंट आपको दिखेगा। मैं जूम करके दिखाता हूं आपको, ये जूम कर दिया। अब इसके बाद कंट्रोल टी करेंगे तो देखिए दिखेगा आपको, ये वैनिशिंग पॉइंट दिख रहा है आपको,
जी हाँ, ये वैनिशिंग पॉइंट को आपको क्या करना है कि खींच कर लाना है यहाँ सेंटर में। तो थोड़ा सा इसे और छोटा कर लें ताकि काम करना आसान हो जाए। ठीक है फ्रेंड, अब आपको ये करना है कि ये फिर से कंट्रोल टी करके इस वैनिशिंग पॉइंट को यहाँ सेंटर में लाने के लिए क्या करना होता है, ऑल्ट प्रेस करेंगे आप, ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसको जब ड्रैग करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अब लाने के बाद इसे आप इस छोटे वाले सर्कल के बीच में, मैंने इसीलिए बनाया था कि इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से बिना रूलर बिना गाइड का कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई रूलर भी अप्लाई नहीं किया, कोई गाइड भी अप्लाई नहीं किया और एकदम हमारा पर्सपेक्टिव बन रहा है। अब क्या करेंगे, इसको इस लाइन को मुझे 15 डिग्री राइट में मूव कराना है, यानी रोटेट करना है यहाँ से। तो परफेक्टली मूव करना कैसे करेंगे, यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, जो आप ये कर्सर देख रहे हैं इससे भी मूव होता है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको इस वाले एंगल में, यहाँ पे देख रहे हैं छोटे से एंगल में, यहाँ पे आप 15 डिग्री कर दें, अपने कीबोर्ड से 15 लिखें और इंटर प्रेस करें। अब ये देखिए रोटेट हो गया 15 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री पे ये आ गया है। अब आप इसको चेक करके ये जो दिख रहा है इसको ओके कर लें या फिर इंटर प्रेस कर दें एक बार और, तो ये कंफर्म हो जाएगा। अब यानी कि एक बार ये 15 डिग्री रोटेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इलस्ट्रेटर में जो हम लोग करते थे वो अलग था, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पे आपको शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट ये तीनों की को एक बार प्रेस करना है। तीनों को प्रेस करके रखें और टी, यहाँ पे कीबोर्ड में जो टी बटन की है इसको टी की को आप प्रेस करते जाएं, करते जाएंगे ये अलग अलग बनाता जाएगा। तो उसमें कंट्रोल डी करते थे, कंट्रोल ऑल डी करते थे और इसमें टी करना पड़ रहा है, बस यही फर्क है इसमें। अब देखिए आपका ये अशोक चक्र तैयार हो गया और काफ़ी पर्सपेक्टिव बना है, काफ़ी पर्सपेक्टिव अशोक चक्र बना है। अब ये अंदर वाली जो लाइन है ये तो आपकी कलाकारी पर डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका जितना बेहतर डिज़ाइन करें वो आप पेन टूल से कर सकते हैं, या फिर आप अलग तरीके से शेप भी ले सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। हमें मेन आपको ये बताना था कि ये रोटेट कैसे करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे रोटेट करते हैं। अगर दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में लिखें, मैं फिर से को इससे और भी बेहतर करने की कोशिश करूँ कि आपको समझ में आ जाए। और अगर एक बार वीडियो देखने के बाद समझ में ना आता हो तो उसको दो तीन बार आप रोक रोक करके वीडियो को देखें तो ज़रूर समझ में आ जाएगा आपको। और किसी तरह का कोई दिक्कत अगर है इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में, डिज़ाइनिंग में, या कहीं कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। हमारे फेसबुक पेज सबके सब पे भी आप बने रहें, उसको लाइक कर लें पेज को और उस पर अपनी चीज़ों को शेयर करें, अपने ग्राफिक्स को, अपने डिज़ाइन को, अपने क्रिएटिव को शेयर करना ना भूलें, शेयर करते रहें ताकि मैं उस पर भी देखूं, आप लोगों के डिज़ाइनिंग को देखूं, अपने क्रिएटिव्स को देखूं कि किस तरह का आपका क्रिएटिव है और उसमें और चीज़ें क्या ऐड हो सकती हैं, किस तरह का है, तो उस पर भी आप कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये ट्यूटोरियल कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं और आगे आप क्या जानना चाहते हैं फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में वो भी कमेंट में बताएं, ताकि मैं उसी हिसाब से आपको जो ज़रूरत हो मैं वही ट्यूटोरियल बनाऊँ और वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो आज के इस ट्यूटोरियल के लिए हम लोग यहीं रुकते हैं और अगले ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। तो बस आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।